व्यूअर्स, ग्रैंड बन्नू नाइट में खुशामदीद। आज हम जिनसे गपशप करेंगे वो हैं पुश्तो इंडस्ट्री के मारूफ सिंगर मिस्टर करण खान साहब। इनसे हम गपशप करेंगे और इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे रिगार्डिंग ग्रैंड बन्नू नाइट। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं, बात करते हैं करण खान साहब के साथ और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम करण साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपकी टीवी को और आपके देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो करण साहब, आज हमें आप क्या सुनाने जा रहे हैं ग्रैंड बन्नू नाइट में, क्योंकि आपके काफ़ी सॉन्ग काफ़ी हिट हैं, तो आज भी लोग मुंतजर होंगे कि आप हमें क्या नया सुनाने जा रहे हैं ग्रैंड बन्नू नाइट। अभी जो हमारा आज का कंसर्ट है उसमें तो हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने तैयार किए हैं, मगर मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि मेरी उर्दू का एक सॉन्ग आ रहा है जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया है ऑडियो पे, उसका थोड़ा सा एक लाइन में सबको सुनाऊंगा। और जितने भी मेरे फैंस हैं उर्दू की, पश्तों के, उन सबको मेरी तरफ से वो डेडिकेटेड हो ये सॉन्ग के। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, असल में बाहर म्यूजिक चल रहा है और मेरा एग्जैक्टली। अच्छा, करण साहब से एक मैसेज भी लेंगे रिगार्डिंग बन्नू यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जो एक ग्रैंड नाइट है, क्या ये एंजॉय कर रहे हैं इस नाइट को और आज हमें क्या सुनाने वाले हैं इस बन्नू ग्रैंड नाइट में? आज की नाइट में तो मैं अपने जो मेरे बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जो 10 मिलियन तक पहुंच चुके हैं गूगल और यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें से कुछ ख़ास ख़ास गाने जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए और बन्नू की जितनी भी गयूर पश्तून हैं उन सब के लिए मैं लाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया करण साहब। करण साहब, आखिर में कोई आप मैसेज देना चाहें अपने लवर्स को, अपने फैंस को, कोई मैसेज हो आपका प्लीज़? मैसेज मेरा यही है मेरे सब देखने वालों को कि अपने साथ साथ अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और कोशिश करें, जितने भी यूथ है, जितने भी यंगस्टर्स है, वो दिन में कम से कम एक दो घंटा अपनी सेहत, अपने फिटनेस के लिए दे दे। जब आपकी जान है तो जहान है, यही मेरे मैसेज है। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आपने करण साहब का जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना और उनका जो नया आने वाला सॉन्ग है जो उर्दू जबान में, आई होप आपको पसंद है क्योंकि ये पुश्तों में तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। उम्मीद करता हूँ को आप जो गाना भी आने वाला है इनका उर्दू में, आप उनको उसको पसंद भी करेंगे। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने हब टीवीसी ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो